नहीं, हमको असलाह दिखा करके ही बाइक ले लिया। पहले भैया हमको असलाह दिखाया, पहले बाइक रोकी, फिर असलाह दिखाया भैया, फिर हमसे बस्ता छीना, फिर हमसे बस्ता ले गया। जब असलाह दिखाया भैया तो हम भी थोड़ा भयभीत हो गए, ले गया बस्ता वो। अब सोशल मीडिया पर गोलू की वीडियो बहुत जोर से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो की पुष्टि तो हम नहीं करी थी, लेकिन हम मामला पता करें तो पता चला ये मामला कहीं और का नहीं, रायबरेली का है। रविवार देर रात की घटना बताई जा रही है, जब बेचारे गोलू के साथ भैया लूटपाट हो गई। कहा बताएं, दुकान बंद करके अपना बकायदा भैया सोने से भरा हुआ, जेवरात से भरा हुआ आभूषण लेकर के घर को जा रहा था, तब है भैया बेचारे के साथ लूटपाट हो जाती है। अभी बेचारा पुलिस वालन का सूचना दी, से पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी गोलू की बात सुन लो। जी गोलू भैया, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ लूट हुई है। क्या हमारे साथ, मतलब हम दुकान से घर जा रहे थे, हमारा सामान सोने का भरा हुआ बैग लूट करके चले गए। 1700 ग्राम समथिंग माल था, एक के समथिंग थी जी। तीन लोग थे, बाइक से थे। असलाह भी लगाए जी? असलाह भी लिए? हाँ, दो असलाह थे, दो 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 लोग असलाहधारी थे। आपको लगाए थे जी? आपको लगाए थे असलाह या? नहीं, हमको असलाह दिखा करके ही बाइक ले लिया। अब हम तो कहेंगे कि सराफा व्यापारी जितने सभी लोग सावधान हो जाओ, तनिक भैया बॉडीगार्ड लेके चला करो, आजकल तो लूटपाटे हुए लाग है। वैसे भैया आपको बता दी कि रायबरेली के थाना लालगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बतावा जा रहा। एडिशनर रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक देखो नवीन कुमार जी मामले की जानकारी दे रहे थे, तनिक सुनो भैया। लालगंज थाना क्षेत्र के वहाँ के रहने वाले हैं अनंत सोनी उर्फ गोलू। इन्होंने लगभग 7:30 बजे थाना को सूचित किया कि अपने दुकान से बैग लेकर के आ रहे थे और रास्ते में तीन बाइक सवार व्यक्तियों ने इनसे ज़बरदस्ती बैग छीन लिया और लेकर के भाग गए। और उस बैग में लगभग 65 लाख के, इनका अपना बता रहे हैं कि आभूषण वगैरह था। उनकी सूचना पर तत्काल FIR पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का मुआयना पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, मेरे द्वारा, क्षेत्राधिकारी और अन्य टीम द्वारा किया गया। हमारी सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम और उस सर्किल की तीनों थानों की टीम लगी हुई है। हम लोग CCTV फुटेज और घटना से संबंधित अन्य सारे साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं। BTS उठाया गया, डंप उठाया गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। अब एडिशनर साहब की बात है तो आपने सुना नहीं भैया, वैसे नवीन जी बाराबंकी जिले में भी रह चुके हैं और ये बगदा तब यहाँ CO के पद पर रहे, फिर इनका प्रमोशन हो गया, एडिशनर बन गए और अभी बगदा रायबरेली में। साहब की बात तो आपने सुना नहीं भैया, वैसे सूचना मिली थी तो सोमवार करीबन 11 बजे IG जोन लखनऊ तरुण गाबा जी भी पहुंचे थे। घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, CCTV कैमरा भी देखते हैं। बाकी भैया वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शिवम ऐसे हर जुड़ी खबर इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन भी दबा दो।